नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं मेरे गुरुजी श्री बीवी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूँ और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करती हूँ। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है डेंटल सॉल्यूशन, मतलब कि हमारे दांत। ये जो दांत है वो हमारे जन्म के 2 साल या 3 साल के बाद आते हैं, लेकिन 50 की उम्र में या 40 की उम्र में ही हमसे चले जाते हैं। ये जो दांत है वो रूठ के चले जाते हैं, क्योंकि हम इसके पास ऐसा काम करवाते थे जो नहीं करवाना चाहिए, ऐसा ऐसा काम करवाते हैं। अगर हमने जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत कुदरती भोजन खाया होता तो हमारे दांत है वो 100 साल तक हमारे पास रहते, लेकिन हमने गलत भोजन खाया, इसकी वजह से दांत हमारे खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, इसमें कैविटीज हो जाती है, इसमें बैक्टीरिया हो जाते हैं, दांत हमारे पीले पड़ जाते हैं, रूट कैनाल करवानी पड़ती है, जो दांत है उसमें से बदबू आती है, मुंह में से बदबू आती है, पायोरिया हो जाता है। ये सब होना का कारण एक है कि हम गलत भोजन खाते हैं, गलत भोजन पेट में पड़ा रहता है, पेट में सड़ जाता है, फिर भी हम सफाई नहीं करते हैं, और फिर ये जो आंत की सड़न है उसमें से ब्लड में ट्रांसफर हो जाता है, ब्लड में ट्रांसफर होने के बाद पूरा शरीर में गंदगी फैल जाती है, और ये जो गंदगी है वो हमारे मसूड़ों के साथ जो दांत जुड़े हुए होते हैं तो मसूड़ों को भी हिला देती है, तभी हमारे दांत जो है वो गिरने चालू हो जाते हैं। अगर हम अपक्व भोजन खाएंगे तो दांत गिरेंगे नहीं, दांत में सड़ा नहीं होगा, दांत में बदबू नहीं आएगी, लेकिन इंसान को ऐसी भ्रांति है कि कच्चा भोजन खाएंगे तो पेट में दुखेगा, ये गलत चीज है। अभी परिवर्तन का जमाना है, जो परिवर्तन करेगा, जो परिवर्तन को स्वीकारेगा उसको ही फायदा होगा। अगर आप वीडियो देख रहे हो, 50 साल की ऊपर की आपकी एज है तो आपके दांत चले गए हैं तो जूसर में जूस बना के पीजिए मैक्सिमम, या तो फिर चॉपर में चॉप करके सभी वेजिटेबल्स को छोटे छोटे बारीक कट करके, या तो फिर कद्दूकस करके आप सलाद खा सकते हो। फ्रूट भी ऐसे खाइए जो सॉफ्ट होते हैं, जैसे चीकू है या फिर ग्रेप्स है या फिर बनाना है, ऐसे ऐसे फ्रूट खाइए कि दांत को बहुत तकलीफ ना हो। हम गलत भोजन खाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल, दांत चले जाने का एक बहुत ही खराब कारण ये है कि हम दूध और दूध की प्रोडक्ट का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करते हैं। सबसे बड़ा खतरनाक एक पेय है जिसका नाम है चाय। चाय पीने से दांत में ओरल कैंसर भी होता है, या तो फिर पेट में सड़ा हुआ मल पड़ा होता है, उसके विकार से दांत जो है वो सड़ जाते हैं और दांत में पायोरिया हो जाता है, दांत पीले पड़ जाते हैं। कई कई लोग मसाला खा खा के दांत को खराब कर देते हैं। मैंने अभी अभी एक बच्चे को देखा, सिर्फ 5 या 6-7 साल का था, उसके 10 दांत जो आगे के 5 दांत नीचे के 5 दांत वो सारे के सारे सड़ गए थे। तो मैंने कहा कि ये क्या कारण है कि इतने छोटे बच्चे को दांत में सड़ा हो गया, तो उसकी मम्मी ने बोला कि शायद चॉकलेट खाने से हुआ होगा। तो मेरा मानना ये है कि चॉकलेट से भी खतरनाक चीज है जो माँ सुबह में पिलाती है बच्चे को, वो है दूध, और चाय, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, बूस्ट, प्रोटीनेक्स, ये सब है वो दांत में सड़ा करती है। फिर जो दूसरी चीज है वो पकाया हुआ भोजन, दाल चावल
खिचड़ी, रोटी, भाखरी, पराठा, पिज्जा, मैदा, ये सारी गलत चीज हम हमारे पेट में डालते रहते हैं। पेट को पेट नहीं रहने दिया, पेट को गटर बना दिया, डस्टबिन बना दिया। तो डस्टबिन में से तो क्या निकलेगा, गैस, बदबू, डकार, इतनी खराब चीज पेट में हम डालते हैं जिसकी वजह से मुंह में इतनी बांस आती है कि हमारे बाजू वाला जो होता है उसको भी नाक पे रुमाल रख देना पड़ता है, इतनी किसी के मुंह में से बदबू आती है। आप सोचो कि पेट को कितना खराब कर दिया है ये लोगों ने। फिर दांत कहाँ से रहेंगे, तो भगवान पनिशमेंट करता है कि दांत छीन लेता है, लेकिन इंसान है वो फिर भी दांत में नकली दांत बिठा के फिर भी खाता रहता है। इंसान सुधरेगा नहीं, इंसान जो है वो वैसा का वैसा रहेगा। हम जब भी सच बताते हैं उनको गलत लगता है और फिर दांत चले जाते हैं। रूट कैनाल, दांत सोने के, दांत चांदी के, दांत जो है वो पीतल के, दांत पता नहीं किस किस चीज के लगा देंगे, लेकिन भगवान ने जो दांत दिए हैं वो नहीं रखेंगे। आपके घर में आप बाथरूम में चेक करो, कोलगेट होगा, पेप्सोडेंट होगा, या फिर मैक्स का होगा, या फिर पतंजलि का होता होगा, या कोई भी आप टूथपेस्ट यूज करते हो या टूथ पाउडर यूज करते हो, ये सारा जो है वो बकवास है। सबसे अच्छी चीज दांत के लिए एक ही है, वो है सादा नमक, जो आपके किचन में बारो मास है। और वैसे भी कोलगेट की एडवर्टाइज में बोलते हैं कि क्या आपकी आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो उसके लिए 75 रुपीज या 100 रुपीज कहाँ खर्च करने की जरूरत है। हाँ, बाथरूम में एक नमक का डब्बा रख दो, उससे ही ब्रश साफ कर लो। लेकिन अगर दांत में बीमारी आ गई है, दांत दुख रहे हैं, दांत हिल रहे हैं, दांत में सड़ा हो गया है, तो उसका कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो उपाय के लिए 3 चीज है हमारे पास। सबसे पहले एनीमा करो। एनीमा करोगे पेट की सफाई हो जाएगी, मुंह में से बदबू नहीं आएगी। मैं और मेरा फैमिली हम 365 डे अपक्व भोजन पे है, प्राकृतिक भोजन पे है, कभी भी दांत में दुखता नहीं है, कभी भी दांत में से बदबू नहीं आती है, कभी कभी ब्रश नहीं करते हैं तो भी याद नहीं रहता है कि हाँ आज ब्रश नहीं किया है। कहने का तात्पर्य ये है कि मुंह में से बदबू नहीं आती है, तो एनीमा करना जरूरी है। दांत का सड़ा हो गया हो, दांत में दुखावा हो रहा हो, जो पेड़ा होता है वो कभी दुखता है, किसी किसी को वहां पे सूजन आ जाती है, तभी भी आप एनीमा से सफाई करोगे। पूरा 15 दिन रसाहार कर लो, तो रसाहार से भी दांत को आराम मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो एनीमा से सफाई करनी है। दूसरी चीज ये है कि अपक्व भोजन खाना है, प्राकृतिक भोजन खाना है। सुबह में खाओ, दोपहर में खाओ, शाम को खाओ, रात को खाओ, लेकिन कुदरत का बनाया हुआ खाओ, किचन का बनाया हुआ नहीं खाना है। तीसरा उपाय ये है कि नमक से दांत साफ करो। या तो दांत में प्रॉब्लम है तो ये हमारा दंत मंजन आप मंगवा सकते हो। ये दंत मंजन का हमने नाम रखा है दिव्य महादंत रक्षक। ये मैं खुद पाउडर बनाती हूँ, इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स है वो 100% नेचुरल है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। तो अगर आपको ये दंत मंजन हमारा मंगवाना हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हो, या तो फिर हमारी वेबसाइट से आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हो। ये जो एनीमा है वो भी आप मंगवा सकते हो। तो दांत में सड़न होने का एक ही कारण है कि पेट में कचरा है। पेट की सफाई कर दो, सही भोजन डालो और दांत की सफाई अच्छी तरह से करो, तो दांत में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। हमारे गुरुजी श्री बीवी चौहान साहब की एज अभी 75 इयर्स की है, लेकिन मार्केट में जब भी गन्ना मिलता है तो वो गन्ने को
दांत से छिलके पूरा गन्ना खा जाते हैं। तो अगर 75 के एज में भी उनकी दांत है वो अच्छे रहते हैं, और आप सोचो कि आपकी उम्र 30 है या 40 है या 50 है, आधे दांत दुखते हैं या आधे दांत निकल गए हैं या आधे दांत हिलते हैं, तो ये सभी का कारण ये है कि गलत भोजन खाते हैं। तो सही भोजन खाओ, एनीमा करो, दांत में सड़न नहीं होनी चाहिए। तो हमेशा स्वस्थ रहो, हमेशा तंदुरुस्त रहो, सदा खुश रहो। हमारी वीडियो को बहुत सारे लोगों को फॉरवर्ड करो, हमारी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हमें फीडबैक दो। जन सेवा ही प्रभु सेवा है, तो आप भी ये प्रभु सेवा करो। हमारी जो ये न्यू डाइट सिस्टम है वो श्री रामचरित मानस से आई हुई है, तो तप सेवा सुमिरन करना है, लोगों की मदद करो, हमारी वीडियो बहुत सारे लोगों को फॉरवर्ड करो, तो कभी भी बीमारी आपके घर नहीं आएगी। आपको इससे भी ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955, यही मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।